मध्य प्रदेश के जनपद रतलाम में उज्जैन संभाग आयुक्त अजीत कुमार ने एसडीएम रतलाम ग्रामीण कार्यालय का अशोक निरीक्षण किया और उन्होंने राजस्व प्रकरण को लेकर निराकरण तथा वसूली की जानकारी प्राप्त की। इसी दौरान कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान एसडीएम भी उपस्थित रहे। कई बार ऐसा होता है कि रेवेन्यू केसेस के डिस्पोजल में काफ़ी टाइम लगता है। कई बार ऐसा होता है कि जो रिपोर्ट्स आनी चाहिए, जैसे पटवारी की रिपोर्ट, आरआई की रिपोर्ट या और भी अन्य जो मौके की रिपोर्ट्स होती हैं, कई बार उसमें भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और तहसीलदार के यहाँ जो अन्य अनेक धाराएँ हैं MPLRC की, उसमें जो टाइम लगना चाहिए, जो हम लोग टाइमली डिस्पोजल कर सकते हैं, कई बार वो समय पे नहीं हो पाता। तो इन केसेस में समय पे डिस्पोजल क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों इतना समय लग रहा है और उसको कैसे एक्सपीडाइट किया जा सकता है, इसी संदर्भ में आज हमने जो है रतलाम ग्रामीण और यहाँ पे जावरा में हमने दो कोर्ट्स के कुछ केसेस का मतलब इंस्पेक्शन किया और उसमें ऐसा पाया कि अगर हम स्टेप वाइज चलें और प्रोसीजर्स को मतलब फॉलो करें, लेकिन उतना समय जो व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं, जो रिपोर्ट अगर एक महीने में आनी चाहिए तो एक महीने में आ जाए, उसके लिए 3 महीने का समय क्यों लगे। तो उन्हीं चीज़ों को एक्सपीडाइट करने के लिए और जो कमियां रह रही हैं उनको दूर करने के लिए आज हमने कुछ मतलब केसेस देखे हैं और साथ में निर्देश दिए हैं कि जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए, उन त्रुटियों को दूर किया जाए। कुछ खामियाँ निकली सर यहाँ? देखिए, खामियां तो निकलती ही हैं। जैसे आम तौर पे देखा जाता है कि जो रिपोर्ट्स होती हैं, दो प्रकार की रिपोर्ट्स तहसीलदार के कोर्ट में आनी होती हैं, एक तो जो पटवारी की रिपोर्ट होती है और दूसरी RI की रिपोर्ट होती है। तो जनरली ये देखा गया है कि ये दोनों प्रकार की जो रिपोर्ट्स हैं वो समय पर नहीं आ रही हैं। जैसे ज़्यादातर रिपोर्ट्स 15 दिन, 1 महीने में आ जानी चाहिए, लेकिन कई कई बार 2-2 महीने, 3-3 महीने भी लग जाते हैं। इसके अलावा भी और कई सारे प्रोसीजर्स हैं जिनको सिंप्लीफाई किया गया है, लेकिन उतने सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोग अपना नहीं रहे। तो उन स्टेप्स को एक्सपीडाइट करने के लिए और जल्दी करने के हिसाब से, हालांकि ऐसा नहीं है कि हम स्टेप्स का पालन किए बिना कोई आदेश कर दें, क्योंकि वैसा करेंगे तो फिर लोग अपील में जाएंगे, लेकिन सारे स्टेप्स का पालन करते हुए भी केसेस का डिस्पोजल कैसे जल्दी हो, समय पर हो, टाइमली हो, इसको करने के लिए आज हम सब लोग बैठे थे। और जो कुछ कमियां मिली हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन उनको दूर करके हम केसेस को एक्सपीडाइट कर सकते हैं। तो सर, जो RI और पटवारी समय पर रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए फिर सर कुछ? ये देखिए, नहीं दे पा रहे तो देंगे, भविष्य में देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, बीच में इलेक्शंस वगैरह भी आ गए थे, बीच में आपने देखा कि जो अतिवृष्टि हुई तो RBC 6-4 के बनाने के केसेस बनाने में भी उनका समय लग गया। तो कई बार ऐसे कारण हो सकते हैं, होते भी हैं, कि कई बार लॉ एंड ऑर्डर या और सारी इमरजेंट इश्यूज आ जाती हैं, उसमें भी लगे रहते हैं, लेकिन वो सारे काम करते हुए ये वाला काम भी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो भी करना है। तो एक कोई फॉल्ट फाइंडिंग मिशन नहीं है कि हम किसी के पीछे पड़ के उसके खिलाफ एकदम कार्रवाई करके ही चैन लें। ये तो एक सिस्टम है और इसमें जो कमियां हैं, जो कमियां आ रही हैं समय समय पे जो दिख रही हैं, उनको हम कैसे दूर करें, मतलब उस हिसाब से ये इंस्पेक्शन किया गया। सर, कोई मॉडल तैयार किया इस तरह का, किस तरह से? मॉडल तो देखिए, पहले से बहुत सारे मॉडल तैयार हैं। बेसिकली है क्या कि मान लीजिए किसी केस के डिस्पोजल के लिए 5 स्टेप्स आपको अपनाने हैं, तो वो 5 स्टेप्स आप टाइमली अपना लें तो उस केस का डिस्पोजल टाइमली होगी। लेकिन कहीं पर एक ही स्टेप में फंसे रहे और व्यर्थ का समय बर्बाद कर दें तो कई बार डिस्पोजल टाइमली नहीं हो पाता। सर, 8 लेन में कंप्लेंट्स बहुत आ रही है सर, मुआवजे को लेकर किसानों का बहुत सारा हो रहा है कि हमारे को मुआवजा नहीं मिला और काम शुरू कर दिया, मशीनें लगा दी हमारे खेतों में और इस टाइप का कुछ। अब देखिए, अभी उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन आपको कलेक्टर रतलाम और मतलब जानकारी दे के बता रहे हैं। ओके सर, थैंक यू।